ये नौनिहाल सिंह की हवेली है, लेकिन गवर्नमेंट विक्टोरिया हाई सेकेंडरी स्कूल के नाम से अब इसको नाम रख दिया गया है। रंजीत सिंह के बेटे की ये हवेली है।
और देखो कहने को कितना खतरनाक बच्चे यहाँ करते हैं। आज हमारे करीब मौजूद हैं ये अब्दुलरहमान साहब। अब्दुलरहमान साहब, आपको कैसा लगा यहाँ पे, और ये मुझे थोड़ी सी गाइड करेंगे इसकी हिस्ट्री? हिस्ट्री तो खैर मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है। खैर ये जो एक्टिविटीज़ हैं TDCP ने करवाई हैं, और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। इस तरह की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स विजिट हमें करवाते हैं, जो कि इजीली एक्सेसिबल नहीं होती आम दिनों में, तो ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि हमें भी इसको अंदर से देखने का मौका मिले। तो मुझे बताएंगे ये अब इस वक्त हम खड़े हैं, इसकी क्या तारीख है पीछे? तारीख नूनेहाल सिंह की हवेली है जी जी, जो कि एक सिख शहजादा था, सरदार था, उसने बनाई हुई है हवेली जी जी। उसके अब बाद में ये फिर अंग्रेज दौर में उनके कब्जे में रही, उसके बाद ये अब विक्टोरिया स्कूल के नाम से यहाँ पे एक तलीमी इदारा चल रहा है। तो ये नॉर्मली भी ओपन होता है कि सिर्फ ये? नहीं सर, ये नॉर्मली ओपन नहीं होता, एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक स्कूल है तो इजाज़त लेनी पड़ती है। ये जिस तरह भी पलवा साहब ने बताया कि TDCP के इवेंट की वजह से हमें यहाँ पे आने की परमिशन मिल गई, अदरवाइज यहाँ पे आपको परमिशन चाहिए होती है बाकायदा इसको विजिट करने के लिए। नॉर्मली पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है। सर जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम इस वक्त रूफ टॉप पे खड़े हैं, और आपको बताता चलूँ सबसे पहले ये है GC यूनिवर्सिटी, एंड ये सामने आपको नज़र आ रही है ताता दरबार, और ये नज़र आ रहा है बादशाही मस्जिद, और कहीं से नज़र नहीं आएगा, मनारे पाकिस्तान, नहीं हाइट पे मस्जिद वजीर खान के यहाँ पे मनार नज़र आ रहे हैं वो छोटे छोटे, और साथ में और क्या दिखाऊँ मैं आपको, ये सारा तकरीबन अंदरून लाहौर यहाँ से क्लियरली नज़र आता है इस जगह से। और ये हाइट बहुत ज़्यादा है, डेंजरस जगह पे खड़े हैं हम, ये नीचे पार्किंग है।